नमस्कार, मैं हूं अमृत उपाध्याय। दोस्तों, क्रिकेट के टेस्ट फॉर्मेट में आपने ज्यादातर लाल गेंद को देखा होगा, लेकिन अब तो डे नाइट टेस्ट में पिंक बॉल का यूज भी होने लगा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रेड बॉल और पिंक बॉल में उनके कलर के अलावा और क्या अंतर होता है? वैसे अगर दोनों गेंदों के कोर कॉम्पोनेंट की बात करें तो दोनों ही गेंदों में कोई खास फर्क नहीं होता। हालांकि बाहरी तौर पर आप साफ देख सकते हैं कि रेड बॉल पर जो सीम बनी होती है उसकी सिलाई सफेद धागे से होती है, जबकि पिंक बॉल पर काले धागे से होती है। रेड बॉल की बाहरी परत पर वैक्स चढ़ाई जाती है जिससे बॉल चमकती है और यही चमक बॉलर को स्विंग करने में मदद करती है। पिंक बॉल पर भी वैक्स होती है, लेकिन इसकी वजह से चूंकि इसका रंग काला हो जाता है इसलिए वैक्स के साथ साथ इस पर पीयू बेस्ड कोटिंग भी की जाती है जिससे ये रेड बॉल के मुकाबले और शाइनी हो जाती है। एक और अंतर यह है कि पिंक बॉल पर सीम रेड बॉल के मुकाबले उभरी हुई होती है जिससे इस पर पकड़ बहुत अच्छी बनती है।